अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रम्स मोहम्मद और आज आप मुझे लाइव देख रहे हैं। लाइव आने का मकसद ये है कि मेरा एक जनरल टॉपिक है जो कि मैंने अभी एक वीडियो देखा है शुएब अख्तर के बारे में। एक एंकर ने बदतमीजी से बिहेव किया है उनके साथ एक लाइव शो में, जहाँ पे दीगर फाउंडर्स बैठे हुए थे, पाकिस्तानी क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर्स बैठे हुए थे। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ। इस चीज़ पर मुझे अफसोस है कि हमारे यहाँ पे जो एंकर्स हैं, जिनको आप सेंट्रल सीट देते हैं, वो इस तरीके की सोच रखते हैं कि एक स्टार को, इवन कि अगर वो स्टार ना भी हो, अगर आपने उनको इनवाइट किया है, तो वो आपके लिए मौजज़ होना ज़रूरी है, आपके लिए मौजज़ है। और अगर आपको कोई इख्तलाफ है ड्यूरिंग शो या ड्यूरिंग मतलब शो के बाद या कुछ भी, तो आप वो इख्तलाफ एक दायरे में रह के कर सकते हैं। लाइव ऑन एयर नहीं कर सकते, शो के बाद कर सकते हैं, लेकिन शुएब अख्तर इज़ अ स्टार, इज़ अ वर्ल्ड स्टार, इज़ द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब आप किसी स्टार से बात करते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं। मुझे तो उन साहब का नाम भी नहीं पता था, इवन के शायद मुझे अभी भी नहीं पता कि लुकमान नाम है या नुमान नाम है। सुना है मैंने कि ये नाम है। तो भाईजन, रिक्वेस्ट है आपसे ये है कि काइंडली इस तरह की चीज़ों से गुरेज करें, और जो चैनल वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि सेंट्रल सीट पे किसको बिठाना है, उसको बात करने का तरीका कार हो। यू कैन नॉट से लीव, प्लीज़ आप लीव नहीं कह सकते, ठीक है। ख़ास तौर पे एक जो स्टार है उसको आप लीव बिल्कुल भी नहीं कह सकते। यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, क्योंकि आप ख़ुद एक पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। अभी आपको भी तंज़ो मज़ाक का निशाना बनाया जाएगा, जा रहा होगा, लेकिन बात यह है कि जब आप पाकिस्तानी होकर पाकिस्तानी स्टार की कदर नहीं कर सकते, उसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, तो यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, ठीक है। मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो माज़ूर, लेकिन मैं शुएब अख्तर के हक़ में हूँ कि उनके साथ बुरा हुआ। उन्होंने जो मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया, आई वॉन्ट कि उनको PTV सॉरी बोले, मीन्स लाजिम नहीं कि पब्लिक में आके अपने आप को गिरा के बोले, मीन्स उनको रिस्पेक्ट दे, जो उनकी रिस्पेक्ट छीनी है उनको एक TV चैनल पे दोबारा इनवाइट किया जाए, उनको उनकी रिस्पेक्ट वापस दी जाए, और उनको एक प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से वो एक सुपरस्टार के लिहाज से रिटायर हुए हैं और अभी भी वो ही इज़ अ सुपरस्टार, तो उनको वो जो प्रोटोकॉल और जो उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए उनको वो रिस्पेक्ट दिया जाए। बहुत शुक्रिया।